उससे मेहरुन्निसा का कोई डर ही नहीं है। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि वो चाहता है कि हमें कोई देख ले ताकि उसकी बीवी को जाके बता दे और उन दोनों का रिश्ता खत्म हो जाए। वो मुझसे शादी करने के लिए अपनी शादी खत्म करने के लिए तैयार है। अपनी दौलत, अपने ठाट पाट सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार है। तो फिर ऐसे कंगले माहिर की हमें क्या जरूरत? मुझे सब कुछ बहुत गलत लग रहा है अम्मी। मैं खुद को, माहिर की मोहब्बत को, सबको धोखा दे रही हूँ। एक दफा निकाह हो जाए सब ठीक हो जाएगा। तुम सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेना और जो ज्वेलरी पैसे इकट्ठे कर सकती हो, उसके बाद फिर। उसके बाद क्या? उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। वाह अम्मी, पहले ही वो मेहरुन्निसा को चीट कर रहा है, अब उसके साथ मिलके मैं भी उस औरत को धोखा दूं? तो इसमें बुराई ही क्या है अगर तुम्हें मोहब्बत और दौलत दोनों मिल रहे हैं तो? और उस औरत का क्या है, वो तो अपनी जिंदगी गुजार चुकी। आप आज भी वही कर रही हैं, माहिर की मोहब्बत को दौलत से मशरूत कर रही हैं। आजकल के जमाने में खाली मोहब्बत से कुछ नहीं होता। दौलत के बगैर मोहब्बत की वैल्यू सिफर है, जीरो। मेरा काम था तुम्हें समझाना, आगे तुम्हारी मर्जी। आप वालिदैन की भी अच्छी चालाकी, पहले अपनी सोच कूट कूट के बच्चों के दिमाग में भरते हैं, फिर कहते हैं अपनी मर्जी करो। इसके बाद दिमाग में अपनी मर्जी की सोच आती कहाँ है? ये ले बच्चा। थैंक यू बच्चा। किसका फोन था, माहिर का? नहीं, ऑफिस से था। कैसी तबीयत है? बेहतर हूँ, पहले मौसम खराब था फिर मेरी तबीयत। बांध दिया है तुम्हें हमने। तुम ही तो कहती हो कि अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। हाँ ये तो है। बस यकीन है मुझे, हमारा यहाँ रुकना खैर ही लाएगा। आमीन। मैंने नरमीन से बात कर ली। मान गई? तकरीबन, मगर आपको साथ चलना पड़ेगा उसके घर रिश्ते की बात करने के लिए। और मेहरुन्निसा, उसका क्या, उससे बात की तो? निकाह करके बताऊंगा उसे, चाहे कोई मसला ना हो जाए। तुम तो जानते हो कि पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी नहीं कर सकते। पुलिस केस भी बन सकता है। पूछूंगा तो इजाजत दे देगी नरगिस ने? इसको मान जाना चाहिए, उसकी उम्र कितनी रहेगी है जो खुद को तुमसे बांध कर रखे। उसके मरने के बाद तो तुम दूसरी शादी करोगे ना? सॉरी बेटा, थोड़ी सी मैं तलख हो गई, मगर मर्द औरत के बगैर नहीं जी सकता, मगर ये औरत ही होती है जो मर्द के बगैर सारी जिंदगी गुजार देती है। खैर, उसने तो इस मिसाल को गलत ही साबित किया, अपने शोहर के एक साल बाद ही तुमसे। ये तो आपने भी किया था अम्मी। खैर, मुझे इस बात की परवाह नहीं है, मुझ पे केस होगा तो देखा जाएगा, भुगत लूंगा। मुझे तुमसे ऐसी बहादुरी और कमिटमेंट की उम्मीद थी बेटा।